DSSB स्टूडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे एस्टेट के अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे बायोमेट्रिक मैसेज आपका मतलब जो लिस्ट आती है वो कब तक आएगी और जो आपको कितने नंबर की ग्रेस मिल सकती है। तो अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको एग्ज़ाम की अपडेट मिलती रहती है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं बायोमेट्रिक मैसेज की। तो दोस्तों, पिछली बार भी काफ़ी जल्दी आपका रिजल्ट आ गया था, 21 तारीख को तो आपका रिजल्ट आ गया था, तो 17 के आसपास आपकी बायोमेट्रिक आई थी। तो इस बार का जो चांस है वो आपके 3 जनवरी, ठीक है, 3 जनवरी के आपके 2 की इवनिंग में भी आपको मैसेज आ सकता है, और 2 और 3 में आपका मैसेज आएगा, बायोमेट्रिक लिस्ट एक तरीके से आपकी आ जाएगी। तो और जो किसकी होगी, तो बायोमेट्रिक जो वेरिफिकेशन होती है सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड बंदों की ही होती है, जो सिर्फ पास करते हैं उनको ही बुलाया जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से आपका रिजल्ट जो ऑफिशियल बाद में आएगा वेबसाइट पर, लेकिन आपको जो पहले ही पता चल जाएगा 2 और 3 के आसपास जब लिस्ट आएगी कि आपका क्लियर हुआ है नहीं हुआ है। तो जैसे ही आपके पास मैसेज आए या फिर आपको बायोमेट्रिक के लिए बुलाया जाए, तो आप समझ जाना कि आपका एस्टेट एग्ज़ाम पास है, ठीक है। तो ये तो था बायोमेट्रिक का। और जो वैक्सीनेशन का जो डाउट है वो एक नोटिफिकेशन आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे तो गवर्नमेंट ने 1 जनवरी से जिन्होंने दोनों डोज नहीं लगवाई है उनको अलाउ नहीं किया सार्वजनिक स्थानों पर, लेकिन जो इसके लिए गाइडलाइंस आ सकती हैं तो उसका वेट करिए। और दूसरी बात करते हैं ग्रेस कितना मिलेगा। तो PRT की बात करें तो 2 से 3 का मिल सकता है, ठीक है, 2 से 3 PRT में। तो जिनके 88 ठीक है तो उनका चांसेस है कि 90 में पास हो सकता है उनका। और जो PGT की बाकी बात करें तो मैं 2 से 4, ठीक है, 2 से 4 का ग्रेस मिल सकता है। तो PGT में भी 87-88 वालों का क्लियर हो सकता है। तो 86 वालों का काफ़ी कम चांस है, बाकी वेट करिए, लेकिन जो है 2 से 4 की मिल सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू।